हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं और क्यों इसका यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव को हम हिंदी में गर्भ निरोधक भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड या डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ऐसी मेथड जिनका यूज प्रेगनेंसी ना होने देने के लिए किया जाता है उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। इसे बर्थ कंट्रोल मेथड भी कहते हैं और फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। जी हाँ, इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि फीमेल पार्टनर प्रेगनेंसी से बची रहे, यानी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो ना आए। साथ ही केवल प्रेगनेंसी ही नहीं, इससे कई सारी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीजेस जो होती हैं उनसे भी बचा जाता है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू होती है, तो उन सबसे भी ये प्रोटेक्शन देती है। ऐसे मेथड जिनका यूज प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए किया जाता है तो उन मेथड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, जिसे हिंदी में गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। अब ये मेथड्स कौन कौन सी होती है? एक होती है नेचुरल मेथड, फिर आती है बैरियर मेथड, एक होती है इंट्रा यूरिन डिवाइस, एक होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक होती है इंजेक्टेबल डिवाइस, एक होती है इम्प्लांट डिवाइस, कुछ होती है सर्जिकल मेथड्स। इन सारे मेथड्स के यूज अलग अलग हैं और उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और उनके अलग अलग काम हैं। जो नेचुरल मेथड होती है उसमें कोई भी मैकेनिकल डिवाइस या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की जाती। ये मेथड नेचुरली होती है, यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट होती है उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ये मेथड का यूज किया जाता है। बैरियर मेथड जो होती है उसमें कॉन्डम्स यानी एक बैरियर का यूज किया जाता है जब फीमेल और मेल के बीच में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही हो। वैसे ही सारी अलग अलग जो मेथड्स हैं उनका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। सारी मेथड्स में ऑलमोस्ट मेथड्स कुछ फीमेल्स के लिए होती है तो कुछ मेथड्स मेल के लिए होती है। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।